कि पूरी सोसाइटी में पानी नहीं है, ताकि वो हमारी अपॉइंटमेंट बुक कर ले। इसीलिए हमने जो है पैसे वार के रखे हैं कि अभी गोलू अल्ट्रासाउंड करा के आई है, वरना मूवमेंट चेंज नहीं कर रहा है। ये दो स्कैन होते हैं जो प्लान होते हैं, अगर आपको न्यू बॉर्न बेबी के चाहिए तो फिर उसके बाद पता चलेगा कि वो मुझे कब एडमिट कर रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग कुछ इस प्रकार है कि आज मैं जल्दी उठ गई हूँ, अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और चीकू के पापा का भी कॉल आया था, तो वो शायद वहाँ पे थोड़ा लेट सोए हैं, तो उनको दोबारा कॉल नहीं करूंगी। और आपके सारे कमेंट्स मैं पढ़ रही हूँ, अभी गोलू की तबीयत बिल्कुल ठीक है, फिर भी आज मैं उसको अल्ट्रासाउंड के लिए लेके जाऊंगी। अल्ट्रासाउंड में सब कुछ ठीक आया तो आज ही उसे हॉस्पिटल एडमिट करा के उसके स्टिचेस का जो काम है वो आज मैं करवा दूंगी, क्योंकि इसमें डिले बिल्कुल नहीं करूंगी। आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि डिले मत करो, बिल्कुल डिले नहीं करूंगी। किसी का मुझे कमेंट आया था कि आप ऐसा करो, इसमें पानी बिल्कुल मत दो, ये सन लेंगे, तो इसमें और इसमें पानी बहुत कम देना अब स्टार्ट कर देंगे हम। और किसी ने ये भी बोला है कि मैम आप ना ये जितनी इसकी टहनी खराब है वो टहनी काट दो कैंची से, तो मैंने कैंची वाली है, ये टहनी काट के हटा देती हूँ। तो गाइस ये धनिये में भी ना घास पता नहीं अनवांटेड देखो जो उग रही है अपने आप, ये भी मैं क्लीन कर देती हूँ और थोड़ा धनिया भी निकाल देती हूँ या फिर इसे बढ़ने दूँ, बढ़ने देती हूँ। तो मैंने ये जो है खाली कर दिए, सारे पत्ते सूख गए थे, और इसको मैं जो है ना मशीन के पास लगवा देती हूँ ताकि इसे प्रॉपर धूप मिले। हमारे धनिये के बीच में पता नहीं ये क्या होगा गाइस, अगर आपको पता है ये किस चीज का पौधा तो जरूर कमेंट करना, ये अपने आप उगा है यहाँ पे। गोलू भी उठ गई है और गोलू प्रिस्क्रिप्शन भेज रही है, वो जो ओरन अल्ट्रासाउंड वाले उनको भेज रही है ताकि वो हमारी अपॉइंटमेंट बुक कर ले, फिर हमें वहाँ वेट ना करना पड़े। तो गाइस मैं अभी आपको लेके चलती हूँ छत पे, क्योंकि छत पे जो है मैंने काम छिड़वा दिया है, क्योंकि टाइम अब रहा नहीं है ज्यादा, टाइम कम है और शिकू के पापा का बर्थडे आने वाला है, तो फटाक से सारा काम हो जाए बस। गाइस आज फाइनली मैंने जो काम है छिड़वा दिया है, सारी घास हटा दी है, अब इसको जो है छत को पूरा अच्छे से सेट करके उसके बाद घास लगाएंगे इधर। तो गाइस सुबह सुबह ना ये पता चला जैसे मैं उठी हूँ पानी नहीं आ रहा घर में, और पानी आएगा 7 बजे, तो पायल तो फ्रेश हो गई थी सुबह सुबह उठते ही, तो हम जुगाड़ लगा रहे हैं कि कौन कहाँ जाए, क्योंकि पूरी सोसाइटी में ही पानी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं है। तो पायल का बोलने का ये मतलब है कि पूरी सोसाइटी में पानी नहीं है, और पायल ने सुबह समझदारी का काम किया फ्रेश होकर, और मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ, पायल हॉस्पिटल चली जाऊँ क्या? तो मैंने ये बोला है हमारे घर के साथ में बिल्कुल हॉस्पिटल है, वहाँ तो पानी आ ही रहा होगा। ठीक है समझ गई मैं, चलो खेत में चलो। क्यों? पानी नहीं आ रहा खेत में चलेंगे, बेटा जाना पड़ता है खेत में। तो यहाँ पर ना शांति ने गरम गरम आलू बॉईल कर दिए और आज हम खाएंगे मजेदार से आलू के परांठे। सच में बहुत दिन हो गए थे आलू के परांठे खाए हुए, है ना भैया? हो गए थे ना आलू के परांठे? कितने दिन? महीना हो गया। महीना हो गया और क्या? पता नहीं चलता मुझे दिन का। तो यहाँ पर ना मैं ड्रैकलिन के कपड़े भी आ गए, इन कपड़ों को भी लगा देती हूँ, और ये चादर है। तो गाइस अभी अभी ना ये चादर चेंज हुई है, क्योंकि कल रात को ना ये दूध गिर गया था यहाँ पे चीकू से, और चीकू ने डांट भी बहुत खाई थी। ये चादरें होती है ऐसी, हल्का सा कुछ भी गिरे ना निशान पड़ जाता है, बट देखो बड़ी मुश्किल से चादर बनी है, ऐसी चादर मिलना भी बड़ा मुश्किल है और बनने में भी टाइम लगता है। तो 1:30 की जो मेरी अपॉइंटमेंट है वो गई है हॉस्पिटल से बुक। तो यहाँ पे ना हमारे परांठे भी आ गए हैं। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? क्या हुआ सुने, ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते बेटा? तो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ हॉस्पिटल निकलने के लिए, बट हॉस्पिटल जाने से पहले मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, जो बात मैं आप आराम से करूंगी बैठकर। तो गाइस मैंने ना डिस्क्रिप्शन में एक जॉब लिंक दिया हुआ है, जहाँ पर आपको 2 लाख प्लस पार्ट टाइम एंड फुल टाइम जॉब के डायरेक्ट इंटरव्यू मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री, बड़े से बड़े कंपनीज लाइक रिलायंस, टाटा, HDFC, सोमैटो, अमेजोन में। अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है और आपको अच्छे से इंग्लिश नहीं बोलनी आती, तब भी आपके लिए बहुत सारी जॉब्स हैं। तो गाइस आपका एक दिन के अंदर जॉब पाने का जो प्रोसेस है कंप्लीट हो जाता है, और आप किसी भी सिटी में जॉब देख सकते हो। तो गाइज इसमें आपको कहीं पैसे देने की नीड नहीं है, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू मिलेंगे हजारों जॉब्स के, चाहे वो फुल टाइम हो चाहे वो पार्ट टाइम हो। यहाँ पर ना आपको बहुत सारी जॉब मिलेगी, लाइक कॉलिंग, डाटा एंट्री, सेल्स, और भी बहुत सारी जॉब आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं। 25,000 से 50,000 तक का जॉब आप एक अच्छी कंपनी में आराम से पा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक है, जल्दी जाकर डाउनलोड कीजिए, और ये ऐप कम्प्लीटली फ्री है। इस ऐप के थ्रू आज तक लगभग 1.5 करोड़ लोगों को जॉब मिली है। जिन लोगों को पार्ट टाइम, फुल टाइम, वर्क फ्रॉम होम जॉब की नीड है, तो आप उन लोगों के साथ शेयर करो, डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक। तो मेरी दवाई का टाइम भी हो गया, फटाफट से दवाई खा के निकलती हूँ, क्योंकि गोलू का जो टाइम है वो टाइम हो चुका है, 1:30 बजे का उसकी अपॉइंटमेंट है। हाँ। मैंने अंदर से नया पर्स निकाल दिया, क्योंकि वो बड़े बड़े पर्स लेके हम थक गए, लेके जा के लेके जाए, कितने पर्स लेके जाए, दवाई तो खाली बस मार के रखो बस। तो अभी अभी ना सरोज भाभी का कॉल आया था, उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ ना धूप लगती है बाबा लालदास जी की, तो ना इसीलिए हमने जो है पैसे वार के रखे हैं, क्योंकि वहाँ पे अब चीकू के पापा जाएंगे द्वारस के दिन, और वहाँ पे जाके चढ़ा के आएंगे, ताकि सब कुछ जो डिलीवरी हमारी अच्छे से हो जाए। चल गोलू टाइम हो गया, 1:30 बज गया, कब का तेरा?
तो पहले ना मैं और पालना ऐसे वाले पर्स यूज करते थे, हमारे पास H&M का पर्स था, चार्ल्स एंड कीथ का था, दामिलानो का था। दामिलानो हमें बर्थडे गिफ्ट मिला था मेरे को और गोलू को, बिल्कुल सेम। हाँ। तो मेरा तो खो गया है और गोलू वाला मम्मी यूज करती है। हॉस्पिटल आ गया है तो हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी अभी हॉस्पिटल से कॉल भी आ गया क्योंकि इसकी अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया था। तो अभी अभी गोलू अल्ट्रासाउंड करा के आई है और अल्ट्रासाउंड में बताया कि ना बेबी ना थम्स अप कर अंगूठा चूस रहा है, भूखा है शायद, तो वो ना मूवमेंट चेंज नहीं कर रहा है, तो इसके लिए इसको वॉक करने के लिए बोला है, उसके बाद 10 मिनट बाद फिर से इसका अल्ट्रासाउंड होगा। तो मैं आ चुकी हूँ गाड़ी में और मेरे को ना वहाँ बैठे बैठे पेट मतलब पैरों में दर्द होने लग गया था, इसलिए मैंने सोचा गोलू को अभी दोबारा बुलाया अंदर, तो मैं थोड़ी देर गाड़ी में बैठ जाती, तो मैं गाड़ी में आके बैठ गई। तो गाइस अभी मुझे यहाँ बैठे बैठे भी आधा पौना घंटा हो गया है और गोलू अभी तक नहीं आई है। पता नहीं गोलू के अल्ट्रासाउंड में इतना टाइम क्यों लगता है, मेरे अल्ट्रासाउंड में तो मैं बहुत जल्दी फ्री हो गई थी, हम यहाँ आए थे 1:30 बजे, अभी हो रहे 2:47, मतलब इतना टाइम लग गया और अभी भी गोलू मेरे हिसाब से अल्ट्रासाउंड के लिए अंदर ही है। तो बस मेरे बोलते ही गोलू आ गई है, अब गोलू आएगी अब पूरी कहानी बताएगी। पाल टाइम इसलिए लग गया, डॉक्टर मैम ने लिख कर दिया था कि आपके जो स्टिचेस आएंगे ना उसके लिए सर्विकल लेंथ होती है कोई, उसके बारे में पता करना था कि कितनी लेंथ लगेगी, कितने स्टिचेस लगेंगे, तो फिर कुछ उन्होंने एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लिए, फिर उससे मेरे को बताया कि कितने स्टिचेस लगेंगे, फिर जब मैंने 10 मिनट वॉक करी ना मूवमेंट चेंज हो गई। अच्छा, पहले सर नीचे था अब सर ऊपर आ गया था। अच्छा, हाँ मूवमेंट चेंज हो गया। तुझे पता है डॉक्टर ने बोल दिया था, कहते कि आपके साथ जो आए ना उनको बुला लो, मैं स्कैन दिखाता हूँ। मैं डॉक्टर को बाहर भेजा, मैंने कहा देख के आना पायल का, वो कह रहे पायल नहीं है, मैंने कहा लगता है वो बेचारी गाड़ी में चली गई होगी, मैं वहाँ बैठे बैठे पेट में दर्द होने लग गया था। चल कोई नहीं, फोटो तो आ जाएगी। कितनी देर बता रहा है वो? बता रहे हैं अब तो हो गया 5 मिनट में रिपोर्ट, वो रिपोर्ट तो बस प्रिंट आउट ही है बेबी का। तो गाइस अभी ना मैं पायल को बता रही थी कि पायल, वो जो हमने व्लॉग में बताया था ना कि हम प्रेगनेंसी पिलो ले रहे हैं, तो किसी का कमेंट आया था, मैंने पढ़ा था कि अगर आपको लेना है प्रेगनेंसी पिलो तो फर्स्ट क्राई का लेना। पायल कहाँ गई है, तो पीछे क्या कर रही है? ये देख रहा जी कुकी देख, मुझे पता क्या लग रहा है, जब हम फर्स्ट क्राई का जो पिलो लेंगे ना प्रेगनेंसी वाला, सबसे पहले उसमें पता कौन सोएगा? चीकू सोएगा। मेरे टाइम में ना बहुत टाइम लगता है, देखो अपॉइंटमेंट लेके आने के बाद भी 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। पायल के टाइम में बहुत जल्दी फ्री हो जाती है पायल। अब नेक्स्ट स्कैन में देखते हैं पायल का क्या होगा, कितनी जल्दी फ्री होगी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है सबसे इम्पोर्टेंट स्कैन होता है लेवल 2 का, इसके बाद आपका जो कोई भी स्कैन होगा ना वो प्री प्लान नहीं होगा। ये 2 स्कैन होते हैं जो प्लान होते हैं, एक तो 12वें हफ्ते का और एक 18वें हफ्ते का, ये प्लान होते हैं। इसके बाद तुम्हारे जो जितने भी स्कैन होंगे ना वो बेबी की पोजीशन पे डिपेंड करेंगे, जब बेबी थोड़ा ग्रो हो जाएगा, जब डिलीवरी आने वाली होगी उसके आसपास के जो डेट्स होंगे तब होंगे स्कैन। तो गाइस अभी ना हम चीकू के लिए कपड़े देख रहे हैं, तो एक ये वाली जो है ना हुडी बहुत अच्छी लगी और मुझे एक ये वाली जो शर्ट है ना भी बहुत अच्छी लगी है, तो इसकी क्वालिटी सीरियसली बहुत ही बढ़िया लग रही है। चीकू को ना थोड़े दिन में हमारे लोअर्स आने लग जाएंगे, ज्यादा फर्क नहीं है। चीकू के लिए लिया है लोअर और वो हुडी ली है, साथ में एक शर्ट ली है, गोलू ने पसंद करी है ये वाली शर्ट, मुझे ये वाली बहुत ज्यादा पसंद आई है। इसकी हाथ लगा के देख पाए क्वालिटी, हाँ इसका स्टफ बहुत अच्छा है। गोलू ये क्रॉक्स कितने सुंदर लग रहे हैं ना, बहुत सुंदर है बहुत। लेकिन ये न्यू बॉर्न के नहीं है गोलू, ये थोड़ा 3-4 मंथ्स के हैं। तो गाइस हम लोग ना आ गए शॉप के अंदर देखने के, क्योंकि भैया बार बार ना अंदर जा रहे थे, अंदर से सामान मंगवा रहे थे, तो दिमाग में ना क्यूरियोसिटी हो रही थी कि अंदर कितना बड़ा स्टोर रूम है। तो देखो काफी बड़ा स्टोर रूम है और एक चीज मुझे बड़ी क्यूट लगी, पर ये है ना कि हम ले ही नहीं सकते, विंटर्स है ना हमारा, तो समर्स का लेना पड़ेगा हमें। तो ऐसा सेम ना चीकू के पास था आई लव डैड वाला पायल, ऐसे शूज थे ना, शूज है उसके पास अभी भी है, अभी भी है, मैंने फोटो भी खिंचवाई थी। गाइस यहाँ पे टाइनी टून्स में ना बहुत अच्छी वैरायटी है कपड़ों की, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट, आप अगर फॉरनर्स के बच्चे देखते हो ना तो वो कुछ इस तरह के कपड़े पहनते हो, और हम सोचते हैं ऐसे कपड़े यहाँ नहीं मिलते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ भी ऐसे कपड़े मिलते हैं। अगर आपको न्यू बॉर्न बेबी के चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, और 14 ईयर्स तक के भी बच्चों के कपड़े मिल जाएंगे, मैंने चीकू के लिए ले लिए, उसे सारे पसंद आएंगे। तो बहुत अच्छी शॉप है यहाँ। लोकेशन क्या है ये, लोकेशन क्या पड़ती है भैया? ऑपोजिट बी ब्लॉक VIP रोड, VIP रोड बी ब्लॉक में आपको ये मिल जाएगी, और आप जरूर आए विजिट करें, आपको भी बहुत सामान पसंद आने वाला है अपने बच्चों के लिए। तो गाइस ये शॉप है टाइनी टून्स, जहाँ पे हम आए थे शॉपिंग करने के लिए, जहाँ पे भैया खड़े हुए हैं, सीरियसली बहुत अच्छा सामान मिलता है। ओके भैया थैंक यू। तो अभी हम लोग आ गए हैं सब्जियाँ लेने के लिए, क्योंकि उस दिन ना राहुल से सब्जी मंगवाई थी, बट 2-4 सब्जियाँ रह गई थी, एक तो और भी रह गई थी, साथ साथ हम लोगों ने गाजर लिया, अभी पालक लिए। तो मैंने चीकू को बोला था, प्रॉमिस करके गई थी कि मैं उसके लिए स्लाइम लाऊंगी, पर मैं स्लाइम तो नहीं लाई, मैं और गोलू लाए हैं चीकू के लिए कपड़े, सारे कपड़े जूते सैंडल, तो शायद उसको ये हमारा ये सरप्राइज ज्यादा अच्छा लगे स्लाइम से। तो मैं ना जब अल्ट्रासाउंड के लिए जा रही थी ना, तो गोलू का टाइम हो गया था, तो मैंने आधा ही पराठा खाया था, बाकी चीकू को खिलाया था। अभी मुझे बहुत तेज भूख लगी, इसलिए मैंने आते ही फटाफट से चाय बनवाई, क्योंकि सर दर्द हो गया पता नहीं क्यों,
और साथ में परांठे खा के थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, फिर मैं ऊपर लेके चलती हूँ आपको छत पे। छत पे जो काम हो रहा है वो दिखाती हूँ क्या काम चल रहा है। तो गाइज आज सोचा है ये सारे जो कपड़े हैं ना इनपे इनको पहन के ना हम रील्स बना लेते हैं हमारे नए गाने पे, तो बस ये निकाल के रखा है अभी बनाते हैं एक एक करके सब पे रील्स। तो गाइज मैंने पहनी ये वाली कुर्ती और सच में बहुत प्यारी कुर्ती है, ये आगे तक आ जाएगी। और इस कुर्ती की जो सबसे बढ़िया बात लगी ना इसके साथ मेरे को इनर भी मिली है, तो बहुत ही मजेदार है। पायल ने पहनी थी ब्लू कलर की, मैंने पहनी है पर्पल कलर की। तो गाइज मेरा जो लेवल 2 का स्कैन था सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ, बेबी की मूवमेंट भी अच्छी थी, सब कुछ बहुत बढ़िया रहा। और डॉक्टर से मेरी बात हुई है कि मुझे कब आना है स्टिच के लिए, तो उन्होंने बोला कल आ जाओ एक बार, उनको सर्विक लेंथ मेरी देखनी थी, तो वो मैंने आज अपनी नोट डाउन करवा दी अपनी फाइल में। तो कल मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास, वो चेकअप करेंगे, फिर उसके बाद पता चलेगा कि वो मुझे कब एडमिट कर रहे हैं। तो इधर हमारे साग की तैयारी चल रही है, साग हमारा अभी अच्छे से घुटेगा और तड़का लगेगा कल, मतलब कल बनेगा साग, तैयारी आज हो रही है। गाइस अभी बज गया शाम के 7, मैंने जो सभी दूध पी है और ब्रेड खाई है। चीकू भी आ गया अपनी डांस प्रैक्टिस करके चीकू भी आ गया अपनी डांस प्रैक्टिस करके, कल उसे स्कूल जाना है। और उसके हमने कपड़े पहले तैयार कर लिए। और इधर पायल लेटी हुई है, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, नींद आ रही है। क्यों आ रही है नींद? वह क्या है तो आज मैं बना रही हूँ पुलाव, और पुलाव मैं खुद से बना रही हूँ। शांति से सब कुछ कटवा लिया था, यहाँ मेरा तेल गर्म हो रहा है और इधर सब कुछ कटा हुआ है, आलू टमाटर प्याज और मटर भी है। तो ये मैंने डाल दिए प्याज, और प्याज को हल्का ब्राउन करूंगी फिर डालूंगी टमाटर। आपके साथ भी ऐसा होगा मसालेदानी को ना, आप कितना ही साफ रख लो फिर भी ना सामान गिरी जाता है मसालेदानी में। तो यहाँ जो है मैंने तड़का लगा दिया है अपने राइस को, और ये राइस ज्यादा बन रहे हैं आज क्योंकि नीचे राहुल और शिवा और धीरज भैया के लिए भी मैं ऊपर ही बना रही हूँ। तो गाइज यहाँ पे ना मैम हमें इतना प्यार करती है ना, हम दोनों को इतना प्यार करती है। गाजर और मिर्ची का अचार भेजा है, साग भेजा है और मक्के की रोटी भेजी है। इस बार पिछली बार मैम ने मक्के की रोटी में मूली मिक्स करके दी थी, इस बार प्लेन है और बहुत ही यम्मी लग रहा है, खा लेते हैं। गाइस मैंने अभी अभी जस्ट चावल खाए, इतने टेस्टी चावल थे ना, एक प्लेट तो चावल खाए चटनी के साथ। तो बस अभी मैं थोड़ा सा घूम लेती हूँ 5 मिनट, थोड़ा मूवमेंट कर लेती हूँ अपनी, उसके बाद मैं फिर आऊंगी दोबारा और खाऊंगी खाना, ठीक है? और हमारा प्यार देखो, पहले पायल ने चावल इसमें खाए, मैंने इसी में खा लिए, अब मेरे चावल खत्म करे, पायल मक्की की रोटी इसमें खा ली, मैं इसमें खा लूंगी, ठीक है? तो गाइस मजा आ गया डिनर करके, दो बार डिनर कर लिया आज मैंने। आज का जो व्लॉग है यही एंड करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो गाइस एक इम्पोर्टेंट बात, अपना जॉब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेक करें। तो गाइस 25,000 से 50,000 तक की जॉब जैसे कि कॉलिंग सेल्स डाटा एंट्री जैसी जॉब आप पा सकते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाके चेक कीजिए। और जिन लोगों को भी जॉब की नीड है आप उन लोगों को बताइए इस जॉब के बारे में। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।